नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय जनता का भी है, आज का विषय राजनीति का भी है, और आज का विषय विधानसभा सत्र का भी है। सत्र के माध्यम से जनता की बात रखी जाती है, सत्र के माध्यम से विपक्ष सत्ता को घेरने का प्रयास करता है, और सत्र के माध्यम से ही तमाम तरह के अध्यादेश पास होते हैं, तमाम तरह के कानून बनते हैं, और हमेशा से ही सत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। विधानसभा का मानसून सत्र, 18वीं विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, और मानसून सत्र शुरू होने के बाद जो स्थिति बनी वो स्थिति अनुकूल नहीं रही। 19 सितंबर सत्र शुरू हुआ, 5 दिन का सत्र था, जिसमें 22 सितंबर को यानी एक दिन का सत्र महिलाओं के नाम किया गया था कि महिलाएं अपनी यहाँ पर बात रखेंगी, और महिलाओं की बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 47 महिला विधायक विधानसभा में हैं और 6 MLC हैं विधान परिषद में, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया गया। 19 सितंबर की अगर बात करें तो वहाँ पर अखिलेश यादव सभा कार्यालय से निकले थे और मार्च की वहाँ उन्होंने स्थिति बनाई, उसके बाद बनेरे बाग चौराहे पर उनको रोक दिया गया, और इस गहमा गहमी में वो जो उसका सदन का दिन था वो स्थगित हो गया, एक दिन खराब गया। उसके बाद 20 तारीख को चर्चा हुई, चर्चा में समाजवादी पार्टी द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जिसके जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए, बताया कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, हमारी पृष्ठभूमि बेहतर है, हमारा काम बेहतर है, और लगातार हम विकास की बात कर रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं में हमने जो काम किया है वो अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। इसके बाद अगले दिन फिर जब सत्र शुरू हुआ, फिर हंगामा हुआ, हंगामे के बीच अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं जो कि उनके बीच और उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बीच भी नोकझोंक हुई, और उस नोकझोंक के दौरान भी मुद्दा महंगाई का और स्वास्थ्य सेवाओं का रहा। ब्रजेश पाठक का कहना था कि हमने बेहतर काम किया है और बेहतर काम के चलते ही हम दोबारा सत्ता में आए हैं, बाकी अखिलेश यादव बिन पानी के मछली की तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि सत्ता जा चुकी है और सत्ता जाने का वियोग वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करके वो सदन का समय खराब कर रहे हैं। उसके बाद जो 22 तारीख का दिन था, 22 तारीख के महिलाओं के नाम हुआ, और आज भी उम्मीद थी कि सत्र में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होगी, कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, और सरकार को विपक्ष कुछ रणनीति के माध्यम से घेरने का प्रयास भी करेगा, पर आज भी जवाबदेही कुछ नहीं रही और सदन स्थगित कर दिया गया। पर सबसे बड़ी बात है कि सत्र 5 दिन का, 403 विधायक, क्या 5 दिन के सत्र से कुछ काम हो सकता है, क्या सत्र को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ये भी अपना प्रश्न है। हालांकि संविधान की व्यवस्था क्या है उसकी अलग एक व्याख्या है, पर कहीं ना कहीं सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए, पर अगर सत्र 5 दिन का भी है तो सत्र का उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सत्र खराब होता है तो कहीं ना कहीं इसकी जो ठीकरा अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ पास भी है तो इसका ठीकरा विपक्ष पे भी फोड़ा जाना चाहिए कि आपने क्यों इस तरह से समय जो है उसका उपयोग नहीं किया, और अगर समय उपयोग आपने नहीं किया तो ये जिम्मेदारी किसकी है। सरकार को आप घेरने की बात करते हैं, रणनीति बनाते हैं, पैदल मार्च करते हैं, जनता की मुद्दे उठाने की बात करते हैं, पिछले 60 महीने से जो विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आ रही थी, वो नजर इस कारण नहीं आ रही थी कि विपक्ष भी दो फाड़ हो गया और तमाम बड़े बड़े दल जो विपक्ष की भूमिका में थे, विपक्ष के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी विपक्ष को टाटा बाय बाय कह दिया कि अगर आप एसी वाली राजनीति करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और जब एसी वाली राजनीति के बयानबाजी हुई तो उसके बाद पटकथा आपको पता है कि सुभाषपा से जो ओम प्रकाश राजभर है वो हमेशा बयान देते रहे, और बयान देने के चलते अखिलेश यादव से उनका गठबंधन टूट गया, और तब से वो लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। आज भी बड़े बयान दिए, आज उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी अब खत्म की ओर है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमेशा दलितों का नुकसान करती आई है और अब जनता की हितैषी बनने का प्रयास कर रही है, अब तक ये लोग कहाँ थे, तो बयानबाजी का दौर भी जारी है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप सत्र चल रहा है, सत्र का उपयोग कैसे हो। हालांकि सत्र में संपत्ति अधिनियम समेत एक बिल पास हुआ, महिला अपराध जो गंभीर महिला अपराध है उनमें जमानत ना हो सके, अग्रिम जमानत ना हो सके, उसका विधेयक पास हुआ, तो कुछ काम तो हुआ। पर जो उम्मीद जताई जा रही थी कि लगातार विपक्ष का कहना था कि हम सदन में सरकार को घोलने का प्रयास करेंगे, सदन में सरकार के खिलाफ हम मोर्चा बनाएंगे, सदन में सरकार के खिलाफ हम रणनीति के साथ जाएंगे, वो रणनीति, वो बैठकें, वो सर्वदलीय बैठकें, वो बैठकों का दौर चलता जरूर रहा, पर जब
उन बैठकों का अंदाजा आया, उनका परिणाम आया, तो हमने यही देखा कि धाक के तीन पात। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी 111 विधायक, 111 विधायक के बाद अन्य पार्टियां भी हैं, रालोद भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन का साथी है, वो भी उनका सपोर्ट किया। आज जब अखिलेश यादव ने विधानसभा से सदन से वॉकआउट किया, वॉकआउट करने के बाद वो पैदल मार्च करते हुए सपा कार्यालय, तो उनके साथ रालोद के विधायक भी थे, पर कहीं ना कहीं जो प्रेसपास के कोई नज़र नहीं आया, उम्मीद भी नहीं थी, होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से इस समय बयानबाजी का दौर जारी है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा सकती है कि यहाँ पर अब सपा को प्रेसपा का साथ ना ही मिलेगा, जो फिलहाल अभी स्थिति है, क्योंकि बयान जो आ रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे या उनके साथ नहीं रहेंगे। हालांकि पृष्ठभूमि क्या है, पटकथा क्या है, शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक हो या कोई जानकार उसको पता ना हो कि कहानी क्या है कि प्रेसपा और सपा में इस समय दिक्कतें चल रही हैं, व्यवहार चल रहा है। व्यवहार क्या, खटाई बोल सकते हैं या दरार बोल सकते हैं। जवाब देने के लिए तो सभी लोग मौजूद रहेंगे और जवाब दिया भी जाएगा, पर कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई का उपयोग किया जाए। सत्र छोटा है तो भी आप इसकी मांग कर सकते हैं कि हाँ सत्र छोटा है, और अगर सत्र छोटा हुआ रखा गया है तो सत्र का उपयोग कैसे हो, सत्र के माध्यम से कैसे जनता की बात की जाए, ये भी आवश्यक है। सत्र का समय बढ़ाने के लिए बात तो करना जरूरी है, पर जो समय निर्धारित किया गया है 5 दिन, कम से कम उसका उपयोग तो होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो न्याय है वो जनता के साथ न्याय नहीं है, ये आपका जनता के साथ धोखा है, ये आपका जनता के साथ अपनी व्यवस्था को मजबूत करते हुए छलावा है। क्योंकि यहाँ पर आप अपना तो आपने राजनीतिक घटनाक्रम सेट किया, मार्च किया, चौराहे पे धरना दिया, आज भी वॉकआउट करके आप अपने कार्यालय तक आए, तो ये तो आपने बताया और सरकार को घेरा, पर आपने ये बताना भी उचित नहीं समझा कि अगर हम वॉकआउट कर रहे हैं तो वॉकआउट से नुकसान किसका हुआ, क्योंकि सदन की जो सत्र होता है वो केवल जनता के लिए होता है और जनता के मुद्दों की बात चर्चा होते हैं, कुछ बयान सुनते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। जी आना सरकार रोक नहीं सकती, अब क्या हमारी मांग है कि सदन का समय बढ़ाया जाए, हम कुर्सियों पे बैठ जाएंगे आके, अभी हाउस जाएंगे आप लोग, ये बात मीटिंग करने के लिए सदन का वॉकआउट कर दिया है, सदन में कैसे बैठे, सरकार सदन का समय बढ़ाए, हम अभी बैठ जाएंगे जाकर के। नया चलन आदित्यनाथ जी की सरकार ने शुरू किया है कि जो कार्यालय है पार्टी का वहां पे छावनी बना दो। आप मुझे बताइए, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, यहाँ पे आपने पुलिस छावनी बना दी, आपको पकड़ना चाहिए गुंडे, डकैत, माफिया, चोर को, आप पकड़ किसको रहे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को पकड़ बहादुर बन रहे हैं। तो इसलिए ये समझना होगा आदित्यनाथ जी को कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे, और किस मुद्दे पे लोग आंदोलन कर रहे थे, ये महंगाई के सवाल पे आंदोलन कर रहे थे, आप उनको पकड़ रहे हो, लाठी चला रहे हो, जेल भेज रहे हो, ये क्या तरीका है। अब देखिए पैदल मार देना, उनकी बात तो सपा की सुनी नहीं जाती, महंगाई चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था कोई नाम की कोई चीज़ें नहीं रह गई। तो जब हम पहली लाइन 14 तारीख को निकाले तो नहीं जाने दिए, तो हमने जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ने पैदल, महंगाई जबरदस्त है, बेरोजगारी जबरदस्त है, और निर्दोषों के ऊपर माननीय आजम खान साहब जैसे लोगों के ऊपर फर्जी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके फर्जी मुकदमे दर्ज करके और उनको उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो है जब सदन में हम बात करते हैं तो सदन में बात नहीं सुनी जाती है और गलत जवाब दिया जाता है, तो ये सदन ऐसे रहने से क्या जरूरत है उस सदन में। दूसरी बात है 19 सितंबर को जिस दिन विधानसभा सत्र का पहला दिन था, माननीय नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो है शांतिपूर्वक तरीके से पहले बताकर कार्यालय से जो है पैदल जा रहे थे सदन के लिए, उस दिन रोक दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। तो ये सरकार जो है अब इसके सरकार के खिलाफ सदन में अगर नहीं बोलने दे रहे हैं तो फिर सड़क पे आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई होगी, ये कहना है समाजवादी पार्टी के विधायक का अखिलेश यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, सपा के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि समय
नहीं बढ़ाया गया, अगर सत्र का समय बढ़ाया जाता तो कुर्सी लगा देते, मैं बैठ जाता। पर सबसे महत्वपूर्ण है जो समय था उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? कम से कम स्थगित करके वॉकआउट करके जो समय दिया गया था, 5 दिन थे, 1 दिन महिला चर्चा के लिए दिया गया था, तो चलो 4 दिन बचते हैं, उन 4 दिनों का ही उपयोग कर लेना चाहिए था। पर जनता तो आपकी है, मुद्दे आपके हैं, आप सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, अगर सरकार कोई गलत कर रही है तो उसको याद भी कौन दिलाएगा? आप ही दिलाएंगे। भूमिका है आपकी और जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि सरकार को भी जनता ने बहुमत देकर सत्ता में बैठाया है, बीजेपी को, और आपको भी जनता ने ही 111 विधायक जितवा कर विपक्ष की भूमिका में खड़ा किया है, तो जिम्मेदारी आपकी है। आप केवल समय बढ़वाने की मांग कहकर, कुर्सी लगवाने की मांग कहकर, घेरने की मांग कहकर जनता के साथ छलावा नहीं कर सकते। आपको अगर वास्तव में जनता से लगाव है तो समय का जो भी सत्र का मिला था उस पर आपको पूरी संजीदगी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, उनसे चर्चा करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि हाँ ये मुद्दे हैं, इन पर सरकार क्या कर रही है। फिलहाल मैं पूरी चर्चा आपको मेहमान से रूबरू करा दूँ। प्रवक्ता सपा से तारिक भाई अपना पक्ष रखेंगे, संतोष सिंह भाई भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता रालोट के रूप में वेद प्रकाश मिश्रा जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी वर्मा पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद इखलाक जी अपना पक्ष रखेंगे, और जेके सिन्हा साहब बड़े समाज से भी है, उनका भी आज समय लिया गया है, वो अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारे तारिक भाई से रहेगा, भाई आज वॉकआउट कर दिया, बड़ा चर्चा में रहा, पैदल मार्च कर दिए विधानसभा से सपा कार्यालय तक, और बहुत दिनों बाद, यानी उस दिन तो मार्च हुआ था तो बनेरिया बाग चौराहे पर रोक लिया गया था, आज तो खैर विधानसभा से चौराहे से, विधानसभा से यहाँ तक मार्च करने का मौका मिल गया। तारिक भाई, क्या मानते हैं अखिलेश यादव का बयान रहा कि सत्य का समय नहीं बढ़ाया गया, पर मेरा मानना यह है कि, और जनता की भी सोच है, मैं भी जनता का ही प्रतिनिधि हूँ, कि समय जो मिला था क्या उसका उपयोग नहीं करना चाहिए था, क्या मानते हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे जब डायरेक्टली विधानसभा में पूछे जी, तो उसका जवाब कोई पॉजिटिव तरीके से विपक्ष को देना चाहिए। ठीक ठीक है, लेकिन लेकिन नेता विपक्ष से पूछे गए सवालों का जवाब जी भाई आपकी आवाज है, बोलिए, बीजेपी के लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ जी आवाज नहीं आ रही है जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए जी, बोलिए कि बीजेपी के लिए ये चीजें हो सकती हैं जी। हमने कहा कि 800 दिन से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी मतलब चुनाव जी, आपने उन्हें इनाम दिया जी, आपने उन्हें इनाम दिया फीस वृद्धि कर जी, इसका जवाब जीरो जी, हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जी, आप कह सकते हैं, मगर कहें तो फिर डबल इंजन आपका फिसड भी डबल इंजन जी, जहां पर मलाई बहुत समय बाद 10 को बार फीस बढ़ी है, तारिक भाई 10 को बार फीस बढ़ी है वहां पर जी, वो मैं ये कह रहा हूँ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समाजवादी नहीं कर रहे जी, समझ लीजिएगा जी, किसान आंदोलन किसान कर रहे थे, समाजवादी नहीं कर रहे, अरे वो किसान आंदोलन चला गया, मेरा मानना ये आज अखिलेश यादव ने बयान दिया, तारिक भाई आप डिफेंड ना करें सरकार जी, आप बात सुनिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, जनता की बात करना मेरा दायित्व है भाई, जैसे जी जैसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे फीस नहीं है जी, बिल्कुल मुद्दा है, महंगाई नहीं बिल्कुल मुद्दा है, मैं तो हमेशा अपनी जरूरत उठाता हूँ जी। अखिलेश यादव साहब ने पूछा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप बताइए जी, अभी अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, अच्छा लगा बहुत सुनकर जी, कि विपक्ष को जिम्मेदारी दी है बराबर की जैसे उनको दी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे आपको भी दी है बिल्कुल, तो हमने तो अपना दायित्व निभाया, पूछा कि रोड मैप बताओ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी जी, जवाब नहीं दिया। अच्छा दूसरा सवाल, बिजली का बिल माफ करने के लिए किसानों के लिए मैनिफेस्टो में कहा था जी, सूखे की स्थिति है जी, मंत्री से सवाल पूछा गया, मंत्री ने जवाब दिया कि हम बिजली का बिल नहीं माफ कर सकते जी, और रिकॉर्ड है पता कर जी, बीजेपी वाले जी जानते हो जी। दूसरा महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा हुआ सवाल जी, समाज उठाया, आपने जवाब नहीं दिया जी, स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल पे थोड़ा बहुत
इधर उधर घूमे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, फिर एक शिष्टाचार उन्होंने दिया कि दिमाग खराब है। दिमाग खराब है बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है बीजेपी के, इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो नहीं सकती। और आने वाले टाइम में हम इनसे और शिष्टाचार की उम्मीद करेंगे कि ये और अच्छी भाषा का इस्तेमाल। तारिक भाई ठीक है, मेरा सवाल केवल तारिक भाई मेरा सवाल केवल ये था कि आप वॉकआउट कर दिए, फिर आपको फिर अधिक समय की मांग ही नहीं करनी चाहिए थी, पर क्योंकि अभी कुर्सी लगा दी दोबारा बैठ लेंगे। अब भी अखिलेश यादव साहब ने कहा जी कि आप समय बढ़ा दीजिए, हम वापस सदन में चले जाएंगे। अच्छा हमारे पूछ, अच्छा एक बात बताइए गौरव भाई जी, वॉकआउट करना जी राइट है? नहीं बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अगर हम अगर सुन तो लीजिए जी जी, हम कह रहे हैं गौरव भाई आपकी उम्र कितनी है मेरा सवाल है, और आप मुझको जवाब दे रहे हो कि तारिक भाई आप बहुत काले हो, ये जवाब नहीं है। अच्छा। इसी तरीके से जब हम उनसे सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो 50 किलोमीटर दूर का जवाब दे रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास उसके अलावा वहां से वॉकआउट, हमने तो पूछा $1 trillion इकोनॉमी का रोड मैप पूछा, NCRB का डेटा गले में डाल के घूमते हो जी, आप कह रहे हो सारे माफिया या तो मार डाले आपने एनकाउंटर करके या उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, और एक विशेष जो धर्म था उसकी चूड़ी टाइट कर दी आप। अच्छा। 6 साल में बिल्कुल दबा के चूड़ी टाइट कर डाली। अच्छा। है ना, तो ये लोग कौन है जो क्राइम कर रहे हैं रोज? अच्छा। शर्म आनी चाहिए मध्य में पानी लेके बीजेपी वाले डूब जाए, इस 14 साल की बच्ची को कपड़े उतार के घुमाया गया, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको इस तरीके की घटना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, चूड़ी टाइट कर दी एकदम, और कर रहे चूड़ी टाइट सरकार से आपको पूछ के बागल में क्यों चले आए, अभी बागल में क्यों चले आए, बागल कर गया आप लोग जी। और भाई इससे पहले जिस दिन महिलाओं की बात हुई जी, उस दिन सारी बातें रखी लेकिन उसका जवाब अच्छा सरकार की जिम्मेदारी, अभी आप जिम्मेदारी तय कर रहे हैं जी, ना जी, तो हमने अपने करोड़ों वोटों की जिम्मेदारी निभा दी जी, सवाल पूछा जी, उसका जवाब नहीं देंगे तो हम सड़क से लेकर मानते सवाल उठाएंगे। तारिक भाई संसद में भी, तारिक भाई एक आखिरी सवाल रहेगा, तारिक भाई मानते क्या सत्य बहुत छोटा, सत्य बढ़ना चाहिए? नहीं बिल्कुल, ये तो आनंदीबेन पटेल हमारी माननीय राज्यपाल महोदया से जाकर अखिलेश साहब ने अनुरोध किया जी, आपने सुना नहीं मीडिया से उन्होंने बाहर निकल के गवर्नर से कहा क्या, उन्होंने कहा अभी सत्र को बढ़ा दे जी, हम वहां जाकर बैठ जाए ठीक है, क्योंकि भाई बात करनी है, तमाम मुद्दे हैं, हर क्षेत्र के छोटे छोटे मुद्दे हैं, तो पहले से नोटिफिकेशन देना पड़ता है जी, आप तो ज्ञापन भी दिया है, आप तो ज्ञापन भी दिया आजम खान के लिए, साहब के ऊपर जबरदस्ती जब मुकदमे लिखेंगे तो क्यों, आप तो ज्ञापन भी दे दिया, जनप्रतिनिधि नहीं है क्या जी गौरव भाई, वो जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, अभी तक नहीं दिया था इसलिए मैंने कहा, अभी तक नहीं दिया था इसलिए मैंने कहा भाई जी, इससे पहले जी विधानसभा में उनके लिए सवाल उठाया गया, सतीश महाना जी ने उसको एक्सेप्ट किया, पहले नोटिफिकेशन देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। अच्छा। वो सवाल अखिलेश यादव साहब 27 महीने रह के आया ना जी, कार्रवाई हो गई जी, गौरव भाई जब हम सवाल उठाए जी तो उस पर एक और सवाल, ठीक है ठीक है, अब आरोप है सरकार जवाब देती नहीं है, सरकार जवाब नहीं देगी तो मजबूरी है कि हमको फिर वॉकआउट करना पड़ेगा, सत्य सत्य बढ़ाइए तो सरकार जवाब देना ही नहीं, सरकार जवाब ही नहीं है, पूछते कुछ है बता दी कुछ है जी। गौरव जी आपके, मैं ट्रेवलिंग में था, आवाज कट करके आ रही थी, उनकी पूरी बातों में नहीं सुन पा रहा था जी, लेकिन एक आप भी चैनल मीडिया के माध्यम से सदन की कार्यवाही को आप भी दिखा रहे थे जी, और लगातार दिखा रहे हैं, जो आचरण दिखाया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने जी, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। अच्छा। और इसके अलावा ये पूरे प्रदेश में, पूरी प्रदेश की जनता जानती है अच्छा, शासन सत्ता में रहे हैं तो उनका व्यवहार रवैया क्या रहा है, तो उनसे कोई और दूसरी उम्मीद की नहीं जाती, और ये कोई बहुत बड़ी हम लोग के लिए ना कोई बात है और ना ही हम लोग
उस पर कोई चर्चा करना चाहता। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, इस सरकार में ऐसे कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे पे खुल करके बहस नहीं करना चाहा है और खुल करके डिबेट नहीं करना चाहा है, खुल करके चर्चा नहीं करना चाहा? सरकार तो चाह रही है चर्चा करिए, लेकिन सरकार को चर्चा करने के लिए आप बैठेंगे सदन में तब ना सरकार चर्चा करेगी। आपको तो बेमतलब के मुद्दे को लेकर के राजनीति करना है, आपको चुनाव की तैयारी करना है, आपको यह लग रहा है सड़क पे जाएंगे आंदोलन करेंगे, भाजपा के लोगों को गाली देंगे, भाजपा के लोगों को भला बुरा कहेंगे, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व को हम अनर्गल ब्लेम लगाएंगे, मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा, महाराज जी के बारे में, योगी जी के बारे में और नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरा प्रदेश और पूरी दुनिया जानती है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। पहले ये अपना आचरण सही करें और आचरण सही करने के बाद सही मुद्दों पे आके सदन में सही सरकार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए ये इनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। हम विपक्ष में भी रहे हैं गौरव जी, आपने देखा होगा कि भारत के सबसे बड़े सदन में सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता रही थी और सदन के समापन के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया था, मैं समाजवादियों को कहूंगा और कहिएगा तो आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आदरणीय सुषमा स्वराज जी विपक्ष की लीडर थी और विपक्ष के नाते जब 2014 के हम चुनाव में जा रहे थे उनका जो अंतिम भाषण था, विपक्ष का नेता कैसा होता है, सदन कैसे चलता है, उसकी गरिमा क्या होती है, मुझे लगता है आदरणीय सुषमा स्वराज जी को सीखना चाहिए। वो लिंक जरूर भेजूंगा मैं गौरव जी आपको और वो जरूर समाजवादी के हमारे जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं उनको दीजिएगा, जरूर देखिएगा। एक चीज और एक चीज कहूंगा, देखिए गौरव भाई ये इनका संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन करें, सड़क पे जाएं, लेकिन उसका कोई एक रोड मैप होना चाहिए, उसका मुद्दा होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो जनता को सीधे जनता से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। जो जुड़े मुद्दे तो थे भाई, स्वास्थ्य पूछ रहे थे, इकोनॉमी पूछ रहे थे, पर वो कह रहे सरकार जवाब नहीं दे रही हमको। गौरव जी, ब्रजेश पाठक ने जो जवाब दिया है उसके बारे में आदरणीय अखिलेश जी का गौरव जी इससे छुपा है, कोई स्वास्थ्य के बारे में हमसे कोई सवाल करता है जो हमारे केंद्र के सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, पूज्य योगीनाथ जी के नेतृत्व में हमने हर प्रत्येक जिले को मेडिकल कॉलेज देने का जो संकल्प लिया है, मात्र 16 जिले और बचे हैं, बाकी जिलों में या तो काम कंप्लीट हो गया नहीं तो काम प्रगति पे है। ये लोग हमसे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, इसके पहले की स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, आज स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, हमसे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया ने भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में देखा है, कोविड काल में भी देखा है इन लोगों ने कि भारत में, उत्तर प्रदेश में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने क्या व्यवस्था करी। अखिलेश यादव ने सत्य बढ़ाने की बात कही है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने सत्य बढ़ाने की बात कही, उसमें क्या कहेंगे? सपा प्रमुख जी ने क्या कहा एक बार बुराई जरा कि उन्होंने कहा सत्य बढ़ना चाहिए, सत्य छोटा था। अब अखिलेश जी के बातों को बहुत गंभीरता से हम नहीं लेते, जब उनके पार्टी के लोग ही उनको गंभीरता से नहीं लेते तो हम चाहेंगे उनके बात को गंभीरता से लेने जाए। अखिलेश यादव अपने पिता के बात को गंभीरता से नहीं लेते, अखिलेश यादव अपने चाचा के बात को गंभीरता से नहीं लेते, अखिलेश यादव अपने परिवार के अन्य लोगों को गंभीरता से नहीं लेते, जिनके बदौलत वो राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने उनको राजनीति का कखर अगर सिखाया, उनकी बातों को गंभीरता से लेते नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को गंभीरता से लेते नहीं है, देश और प्रदेश के मुद्दों को गंभीरता से लेते, सड़क पे आकर के बेमतलब बेवजह आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, क्या यही मुद्दा है उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ चुनौती देता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता के नेतृत्व को कि आप आइए और खुल करके बात और शिक्षा पर अगर चर्चा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ बैठ कर चर्चा करिए, इतना बड़े इतनी बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है संतोष भाई, ठीक है। वीर प्रकाश भाई हमारे साथ से जुड़े हुए, मिश्रा जी क्या मानते हैं, यहाँ पर आप लोग भी उनके साथ गए थे, आप रालोट के विधायक भी थे और मार्च में शामिल थे, कि कार्रवाई जो रही सत्र की क्या वो संतोषजनक रही? क्या कार्रवाई और बेहतर नहीं हो सकती थी? क्या सत्र और बेहतर नहीं चल सकता था? क्या जनता के मुद्दे और अच्छी गंभीरता के साथ नहीं रखे जा सकते थे? क्या मानते हैं? के साथ हम गए नहीं, उनके साथ हम हैं। अच्छा, नहीं मार्च में गए, मार्च पहली बात तो ये है, मार्च में गए थे, मार्च की बता रहा हूं, मार्च में नहीं गए हम उनके साथ हर चीज में गए हुए हैं। अच्छा और हर चीज में हम उनके साथ हैं। निकाय चुनाव जाएंगे साथ में, बंधन है, निकाय चुनाव में साथ में जा रहे हैं, निकाय चुनाव में साथ में जाएंगे। हाँ, निकाय चुनाव हम साथ साथ लड़ेंगे। अच्छा, पर अभी कहा गया था, अभी आप ही के प्रेसिडेंट गए थे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे हम? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी वो अलग है क्या? तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। हाँ। और हमने बाकायदा उसके ऊपर अपना जवाब भी दिया था। अच्छा, कि हम दोनों लोग मिलकर के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। विधानसभा में साथ साथ लड़ेंगे, सड़क पर साथ साथ लड़ेंगे। अच्छा, इसमें कोई संशय नहीं है जी।
रही बात सत्र की गौरव जी, जी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा, विधानसभा इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है जी। आखिर विधायक जो चुन करके आए हैं अगर जनता के मुद्दे वहां पर नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे जी, बिल्कुल। लेकिन सरकार सत्र को इतना छोटा रख रही है। अच्छा, चार पांच दिन मानसून सत्र रखने का औचित्य क्या था जी, और सत्र को बढ़ाया जाने की अगर मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या कहा जा रहा है? मांग बहुत बढ़िया, पर जो मिला था उसको उपयोग करना चाहिए था। नहीं, सरकार सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, उनके मंत्री असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विपक्ष के लिए। अच्छा, और विपक्ष पहली बार हुई को दबाने के लिए तरह तरह के उपक्रम अपनाए जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे थोड़े चलेगा सदन। अच्छा ठीक है, सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी विपक्ष है उससे कहीं ज्यादा सरकार की है। अच्छा, हम विरोधी दल हैं, हमारी बात सुनने को सरकार तैयार हो। अच्छा, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। जनता अच्छा, से जुड़े हुए जिन मुद्दों को हम उठाना चाहते हैं सरकार उसे क्यों नहीं सुनती? अच्छा गौरव जी, जी तो ये था, ये जब आप सत्ता में थे तो विपक्ष बीजेपी थी, वो मुद्दे उठाने के लिए क्या करती थी? जो मुद्दे उठाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जब हम सत्ता में थे तो विपक्ष में जब बीजेपी थी तो वो देख ले हाँ। कार्रवाई विधानसभा की उठा करके कि उनके कितने मुद्दे सुने जाते थे। अच्छा, और उनके कितने मुद्दों का निस्तारण हो रहा था। अच्छा, लेकिन आज की तारीख में कितने मुद्दे सुने जा रहे हैं जी। आप कल्पना कीजिए कि उप मुख्यमंत्री विधायकों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि विधायकों का दिमाग खराब हो गया है क्या? विपक्ष अगर अपनी बात कहना चाहता है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं माननीय मंत्रीगण है क्या उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल, संसदीय भाषा में भी जवाब दिया जा सकता था। ठीक है, ठीक है, हम कोई अपने घर के मुद्दे नहीं उठाते, हम जनहित के जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। उन्हें सरकार को सुनाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, जिस तरीके से सरकार सुनेगी, सदन में नहीं सुनेगी तो सड़क पर सुनेगी। ठीक है, उनको चलिए, ठीक है, ठीक है, इसमें आप सड़क पर देखा जाएगा की भूमिका है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। सरकार जी सड़क पर देखेंगे, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं। सैयद भाई, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही और आप लोगों की एक यात्रा भी थी, सुनने में आ रहा था महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर 1090 तक, उसके बाद वहाँ पर छाबरी बना दी गई, पुलिस बल तैनात कर दिया गया। संजय सिंह का कहना था, जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, उनका कहना था कि सरकार दमनकारी सरकार है, निकलने नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे भाई? देखिए, आज आम आदमी पार्टी में जो हमारी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव जी के नेतृत्व में पद यात्रा निकलनी थी जी। कि कैसे सरकार जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, छोटे व्यापारियों को खत्म कर रही है। अच्छा, उनका दोहन कर रही है, उनको बिजनेस नहीं करने दे रही है, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे पूरे परिवार के साथ व्यापारी लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें लगातार आ रही, आपने देखा पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे बातें, इसमें लोगों ने, युवाओं ने, व्यापारियों ने पूरे परिवार के साथ हत्या कर ली। अच्छा, और सरकार कह रही है वो विकास कर रही है। अच्छा, तो ये विकास के दावे जो है सरकार के खोखले हैं। ठीक है, और ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, वो लोकतंत्र में काम करने लायक नहीं है। अच्छा, वो अभी भी राजतंत्र में रह रहे हैं, उनको लगता है वो राजा बन गए, वो जो कह रहे सब सही कह रहे हैं। तो ये लोग जो है ये लोकतंत्र का लगातार गला घोटने काम कर रहे हैं। वो कबीर दास जी ने बड़ा अच्छा एक दोहा कहा है, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा घूमती रहे बैल के बैल। अच्छा, तो संपूर्ण ताकत में आ जाने के लिए क्या है? नहीं भाई, आप तो दोहा है कबीर दास जी, किसके लिए बोले? दोहा तो है, किसके लिए बोले? संपूर्ण ताकत आ गई। आप कहते थे पहले मैं सत्ता में लेके आओ, सत्ता में लेके आओ। आपको याद होगा राजीव गांधी जी की के बाद पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत में आई है। अच्छा, और मोदी जी पहले बार पूर्ण बहुमत में आए, इससे पहले कोई भी सरकार, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे खुद और बाद में जो सरकारें आई वो मनमोहन सिंह की, वो कोई सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी। अच्छा, उस सरकारों को गिर जाने का डर था हमेशा। अच्छा, ये सरकार पहली बार आई मेरे जीवन काल में जी। मैं इस वक्त जो हूँ 40 इयर्स का हूँ, जब से मैंने वो संभाला है, मैंने ये पहली पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की। अच्छा, और मुझे बड़ा मलाल था हमेशा। अच्छा, कि मेरे देश के अंदर, मैंने तो MBA किया तब तक की पूर्ण बहुमत सरकार नहीं आई थी जी। तो मेरे अंदर मलाल था कि काश हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आए, जिससे हमारा देश का विकास हो। अच्छा,
दिल्ली में भी तो है आपकी सरकार, नरेंद्र से आई है, वहां बहुत विकास हुआ है, पंजाब में भी आई है, पंजाब में विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, भले ही मैं बीजेपी विरोधी हूँ, लेकिन मुझे लगा था पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, अब ये काम अच्छा करेगी, आगे बढ़ाएगी जी। लेकिन आज जो खबर आई है कि हमारे देश का रुपया 81 रुपए से नीचे गिर गया। रुपया मुद्दा नहीं है, रुपया क्यों नहीं मुद्दा नहीं साहब, डॉलर का गिर गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। बाप बड़ा भैया फिर कभी रख लेंगे, सुन लीजिए जी, रुपया जो होता है देश की पहचान होता है। आप कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं लगातार, अगर वो इतना काम कर रहा है तो रुपया क्यों गिरता जा रहा है? अच्छा, किस वजह से रुपया गिर रहा है जी, तो इसको एक्सप्लेनेशन ताकि भाई तो स्मॉल इन्वेस्ट। मैं आपके पास सहमत हूँ, मेरे पास ये बताइए, आपके कार्यालय को छावनी बना दिया गया, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के ऐसे प्रयास किए जाते हैं सरकार बोलती है, तो क्या विपक्ष केवल डर के बैठा रहेगा, क्या विपक्ष अगुवाई नहीं करेगा? अगर सरकार रोक रही है, प्रयास की जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए ना कि आंदोलन करे। देखिए भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर वन डरपोक पार्टी। अच्छा है। वो डरी हुई है, विपक्ष अच्छा, डरा हुआ है। अच्छा, इतना डर है कि आप प्रदेश कार्यालय के अंदर आपने उसको छावनी बदल दिया। अच्छा, रस्सी लगा के लोग खड़े हो गए, एक कदम बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। आप बताइए वहां पे आप कह रहे हैं कि आप अगर पर्पसफुली काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे ना। अच्छा, वो लोगों को के बाकी आवाज उठा रहे, जनता की आवाज उठा रहे थे। आपने सूचना दी थी? बिल्कुल, सूचना सब सूचना दी जाती है। आप बताइए, जब हमने पहली बार 14 अगस्त 2021 में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया था, और कई शहरों में उत्तर प्रदेश की तिरंगा यात्रा निकाली थी, उस वक्त ये तिरंगा यात्रा निकाल ही दे रहे थे। अच्छा, तो हमने कहा अपने देश के अंदर अपने देश का झंडा लेके चलने से कौन हो सकता है जी, ना डीएम की परमिशन हो ना कोई ना हो, लेकिन फिर भी हम झंडा लेके निकलेंगे, हम निकले थे। हमारे खिलाफ, हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ, हजारों लोगों के खिलाफ, बहुत से आगरा में कहा कहा मुकदमे लिखे गए, लेकिन हम डरने वाले नहीं, ये डरे हुए हैं। अच्छा, ये डरपोक अभी इनके प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि कोई मुद्दा हो तो आप निकलिए। अरे कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई इतनी बड़ी, कोई मुद्दा नहीं है, आज दिन महिलाओं से धनकार होने को मुद्दा नहीं है, सरकार हर मुद्दे पे अच्छा हो चुकी है, अच्छा है। और कहने पर मुद्दा अच्छा नहीं गुजरात में। और ये देखिए शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि हमारे योगी जी के, मोदी जी के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ पूरे विश्व में होती है। अच्छा चाहिए, शौक वाणी बन गई। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं। देखिए भाई, एक मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप कह रहे हैं यात्रा निकलनी दे रही है, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है, सम्मेलन भी हो रहे हैं, गुजरात में भी यात्रा निकली, गुजरात में सम्मेलन हो रहे हैं, वहाँ क्यों रोकधाम नहीं हो रही है, वहाँ क्यों रोका जा रहा है? गुजरात में भी जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ गुजरात में गए, आपके भी सम्मेलन लगातार हो रहा था प्रदेश में। गुजरात में भी जो है नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जहाँ से आए हैं वहाँ केजरीवाल जी पहुंचे, तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर नारे लगने लगे मोदी मोदी। अच्छा, और उनके कार्यालय स्थल कई बार बदला गया। अच्छा, बहुत मुश्किल से उनको परमिशन दी गई, 11 बार बदला गया उसको। और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जब कोई सम्मेलन होता है, कुछ मांगते हैं तो परमिशन नहीं दी जाती, जब बहुत कई बार कहा जाता है और जबरदस्ती होती, मतलब बहुत पीछे पड़ते हैं तब परमिशन देते हैं। तो आप देखिए काज क्या हो, इससे पहले भी हमने जब भी प्रोग्राम किया, इन्होंने आके वहाँ प्रदेश कार्यालय घेर लिया। अच्छा, हमको वहाँ निकलने नहीं दिया, ठीक है। खुद बीजेपी आज देखिए आज की डेट में जल्दी बोल, जहाँ गांधी जी की प्रतिमा लगीगंज में, उसमें बीजेपी के लोग कितने प्रदर्शन करते थे, जब बीजेपी से अपोजिशन में थी तो विधानसभा कितने प्रदर्शन करती थी, आज वहाँ बैठने नहीं देते, इतनी पुल जहाँ कोई भी नहीं होता, उसके बाद भी इतनी सीआरपीएफ पुलिस लगी रहती है, ठीक है, एक आम आदमी को वहाँ खड़े होने में डर लगता है। ठीक है, ठीक है, हो गया, ये डर जो बीजेपी डर है, जो बीजेपी डर है वो बाहर दिख रहा है, बीजेपी देश की नंबर वन डरपोक पार्टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डरी हुई है वो, ठीक है, ठीक है, जवाब लेंगे। इकलाक भाई, प्रसपा का क्या नजरिया रहा भाई, आप तो इनके मार्च में शामिल नहीं हुए, सपा वालों के मार्च में अलग ही रहे, अब क्या रणनीति रहने वाली भाई, आगे सत्र खत्म हो गया है, अब सत्र के बाद अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, अब सत्र आपको मिलेगा, शीतकालीन सत्र मिलने वाला है, उसमें समय है, क्या मानते हैं, क्या रणनीति रहने वाली प्रसपा की, क्या आगे बढ़ के साथ जाएंगे या फिर अब जो स्थिति बनी हुई है उसी पर कायम रहेंगे? देखिए गौरव भाई, हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव साहब ने पहले ही बता दिया था कि उनके प्रोग्राम जनता के बीच में लगे हुए हैं जी, इस वजह से वो विधानसभा सत्र में मौजूद नहीं हो पाएंगे जी, लगातार लगे हैं, अभी 24-25 में भी संबल में लगे, इससे पहले भी लगे हुए जी, और रहा किसके साथ जाना और ना जाना, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे जी, और जैसा भी उन्होंने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ अब नहीं जाएंगे, तो जो भी वो फैसला रहेगा ये, अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अंतिम फैसला लेंगे, अच्छा अभी तो चुनाव फिर तारीख देंगे या इस बार फिर तारीख देंगे, आप तो उन्होंने साफ कह दिया भाई, जिससे अभी आप बोल रहे हैं कि अभी अंतिम फैसला नहीं है, आपको प्रेम होगा जी, उसके लिए आप तो कुछ तो तारीख दे सकते हैं, मगर जो
विश्वासघात पे घात करता रहे आपके साथ, तो उन्होंने तो अब साफ कह दिया कि आप समाजवादी पार्टी के साथ अब नहीं जाएंगे। अच्छा, तो हम सब उनके फैसले को सम्मान करते हैं जो भी वो फैसला लेंगे। जी देखिए, बात आज के मुद्दे को ही विधानसभा सत्र को लेके, सत्र को मैं आपके जो आपने बात की उससे सहमत हूं। जी आपने कहा कि जो समय मिला है उसका उपयोग करिए। जी जनता ने आपको विधानसभा में बैठाया है। जी 111 सीट दी है विपक्ष की, एक सबसे बहुत विपक्ष की पार्टी बनाई। जी आप रोड पे निकल के कह रहे हैं कि आप समय बढ़ा दीजिए, तो जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं वो समय कहाँ जा रहा है? जी जनता ने, आप कहते हैं कि हम जनता की बातों को सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे। जी तो सदन में तो पहले लड़िए। जी भारतीय जनता पार्टी अगर जवाब नहीं दे रही है तो उत्तर प्रदेश की पब्लिक, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता तो आपको देख रही है। जी सरकार ना देखे। जी अभी एक भाई साहब ने कहा था, मैं सुन रहा था, कि सरकार नहीं जवाब देती है, सरकार नहीं सुनना चाहती है। जी अरे जनता तो आपको देख रही है, आप अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल नहीं कोई सुन रहा आप तब भी अपनी बातों को रखिए। ये वॉक ओवर के देने क्या मतलब, आपने तो बीजेपी को दे दिया कि हम आपसे बहस नहीं करेंगे। जी तो कैसे लड़ेंगे आप भारतीय जनता पार्टी से? जी आप गरीबी का मुद्दा उठाइए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, महंगाई का मुद्दा उठाइए, आप सड़क पे आइए। जी जैसे सारी पार्टी हमारे नेता हम सब भी आते हैं। जी आप विधानसभा के मुद्दे को लेकर सड़क पे आ रहे हैं। जी ये मैं समझता हूँ सही नहीं। और मैं एक चीज अभी और सुन रहा था, किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने परिवार के समस्या को लेकर नहीं बहस कर रहे हैं। भाई साहब उत्तर प्रदेश अपना परिवार है। क्या बात, महंगाई हम सबके घर में है और महंगाई आपके भी घर में होगी। आप उद्योगपति हो सकते हैं मुझे नहीं पता, मगर उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। अगर उत्तर प्रदेश में गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो हमारे घर में भी है। जी बिल्कुल, तो परिवार ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, ये हमारे आपके परिवार का मुद्दा नहीं है। महंगाई, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, बच्चों की किताबें महंगी होना, ये उत्तर प्रदेश और आम जनता के मुद्दा है। हम सबको ये मुद्दा। ठीक है ठीक है ठीक ठीक भाई। जगह सिन्हा साहब हमारे साथ समाजसेवी रूप में। जगह भाई जी, क्या मानते हैं जो पूरी पटकथा आपने देखी, सत्र हुआ, सत्र होने के बाद यहाँ पर वॉकआउट किया गया, उसके बाद मार्च निकाला गया, जनता के मुद्दे कहाँ हैं? जनता के मुद्दे की बात की जाती है और जब मौका मिल रहा है सत्र में, मेरे ख्याल से उसका उपयोग होना चाहिए। देखिए, मानता हूँ सत्र छूटा था, पर तब भी जो मिला था उसका उपयोग करना बहुत आवश्यक। जी गौरव जी बोल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सपा को सदन का उपयोग करना चाहिए था और वॉकआउट करके इन्होंने तो बीजेपी को फायदा दे दिया। अच्छा, बीजेपी को फायदा ऐसे दे दिया कि जो मुद्दे वो बहस कर सकते थे, उनको घेर सकते थे, वो मौका उन्होंने गवा दिया। जी एक बात बेरोजगारी की, महंगाई की, वो तो सब जानते हैं अब गंभीर मुद्दा है। जी भाई पेट्रोल का महंगा हुआ तो बीजेपी वालों को भी मिलता होगा उतने में, सपा को भी उतने ही मिलता होगा, शिवपाल यादव जी पार्टी को भी उतना मिलता होगा, हम सभी को, चाहे वो कोई पार्टी हो या हम सबको उतने ही मिलता है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, वो भी मुद्दा एक है। ठीक है, इसका फायदा अखिलेश जी को, अखिलेश जी ने गलती करी, इनको बहस करनी चाहिए थी, सदन की मांग बढ़ाने की थी, वो ठीक बात है, और योगी जी को भी सुनना चाहिए था, शायद अगर दो चार दिन बढ़ा सकते हैं कोई नियम होता तो अच्छी बात थी, क्या दिक्कत थी उनको। उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ा कि ठीक है भैया सदन नहीं चल रही तो हटाओ, पांच दिन में काम खत्म कर लिया। उन्होंने भी चलाकी उन्होंने भी की है। अच्छा, ऐसा नहीं कि योगी जी चलाकी नहीं दिखाई, बीजेपी चलाकी दिखाई बिल्कुल किया, लेकिन ये मौका अखिलेश यादव जी ने उनको खुद दिया है। अच्छा भाई, आप खुद सोचिए गौरव भाई, जब आप हमसे बहस कर रहे हैं, हम बहस की नहीं सुन, हम उठ के चल देंगे तो हम आप बहस करेंगे कैसे, हम आपको घेरेंगे। सही, बिल्कुल सही बात है, हम आपको घेरते जाएंगे ना। आप हमसे बहस करिए, आप पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप बहस करिए, हम आपको बात अपनी रखेंगे, आपको दूसरी चीज एक बात और कहना चाहूंगा, संतोष जी से कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की हमारी बहुत तारीफ होती है, पांच साल पहले भी सरकार बीजेपी की रही, तो आप बताइए ऐसी क्या आफत आ गई कि हमारे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी खुद गाड़ी चला के अस्पताल जाते हैं, लाइन लग के टोकन लेते हैं और खुद मानते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। ये इसका क्या जवाब है संतोष जी के पास, ये बताएं। जवाब ले लेता हूँ, संतोष भाई जवाब दीजिए, समय बहुत कम है, बोलिए। बहुत सही बात बोला है उन्होंने, देखिए सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात बोला है, बहुत ही अच्छी बात बोला और बिल्कुल सही प्रश्न उन्होंने उठाया है। देखिए सदन बना है जी, और सदन में सदस्य चुन के गए हैं, पक्ष और विपक्ष बना है, तो मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए जी। सदन का पूरा उपयोग, सदन में पैसा खर्चा होता है, एक दिन सदन चलाने में बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए, और योगी जी ने कोई चालाकी नहीं की है। आप बताइए गौरव जी कि इतने दिन, पांच दिन से हम चाह रहे थे चर्चा हो विषयों पे चर्चा हो जी। लेकिन अगर चर्चा नहीं हो रही है और चर्चा ये लोग नहीं करना चाहते हैं तो सदन का समय बढ़ा करके क्या फायदा होने वाला है? एक एक बात मैं कहना चाहूंगा संतोष जी, एक बात कहना चाहूंगा, अगर योगी जी अखिलेश यादव से कहते भैया लड़ाई बाद में कर लेना, पहले जनता के मुद्दे को रख लो सामने, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति है, भाई तो कह रहे हैं उनको कहना चाहिए। संतोष भाई को मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सत्ता पक्ष चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती जी।
उन्होंने कहा विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सेशन चलाना सदन चलाना, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। सुषमा स्वराज जी ने कहा है सत्ता पक्ष बागवार दिया है भाई, थोड़ा बागआउट किया है योगी, एक मिनट गौरव जी, योगी जी कैसे ये सत्ता नहीं चला सत्ता नहीं चला पा रही, जिम्मेदारी इनकी थी। अच्छा ये नहीं चला पाए साथ में लेके, अगर कोई जा रहा है तो उसको रोकना है नहीं, बिल्कुल आपको उनको उनसे सुनना है, जब क्यों चले जा रहे हैं वो, चले जा रहे हैं सुन नहीं रहे उनकी बात, आप सुन नहीं रहे ठीक है, आप महंगाई पे बात करना चाहते हैं ना, बेरोजगारी बात करना चाहते हैं ना, महिलाओं के साथ दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश से बात करना चाहते हैं। अच्छा। आप कहते हैं प्रदेश की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था हमारी है, सबसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी है, उसी स्वास्थ्य व्यवस्था का मंडा ठीक है ठीक है, फोड़ रहे हैं आप, जल्दी जवाब दीजिए, तारे भाई को लेते हैं, उसके पोल खोल रहे, एक साथ सब लोग बोलेंगे तो क्या जवाब, बोलिए बोलिए संदोई बोलिए बोलिए मैं गौरव भाई बड़ा स्पष्ट, देखिए मुद्दे की बात किया था सिन्हा साहब ने, उसका जवाब दे रहा हूँ, आम आदमी के प्रवक्ता को कृपया शांत कराइए, उनकी बात का क्या जवाब करूँ, जाए अपने पियक्कड़ मुख्यमंत्री को संभाले पहले पंजाब में, अरे आप तो चरस गांजा जो मिला है गुजरात में उसका तो बयान नहीं पा रहे, इतना चरस गांजा कहाँ मिल गया, इतने कहाँ कोकेन मिल गई, किसको मिला रहे हैं आप लोग, आप सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, जनता का जवाब नहीं देते आप, झूठे इल्जाम लगाते हैं, आज तक आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, कोर्ट ने फटकारा आपको कई बार, एक हो गया हो गया, बोल लीजिए, मैंने सिन्हा साहब के सिन्हा साहब ने तर्क की बात जी बोलिए, पहले आप बोल लीजिए, तो मैं बोलिए भाई बोलिए बोलिए चुप है, बोलिए बोलिए ऐसे रूठ जाते हैं, बोलिए रूठना रहना रूठिएगा, बोलिए संदू भाई बोलिए 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 संदू भाई, साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था जी, और उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, उनकी बात से मैं सहमत हूँ, ना महाराज जी ने कोई चलाकी की है, और बिल्कुल सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है, कहीं इसमें दो राय नहीं है जी, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, विपक्ष में होने के नाते अपने संवैधानिक अधिकार को किसी भी राजनीतिक दल को भूलना नहीं चाहिए जी, ठीक है, आज के परिवेश में जो राजनीतिक गतिविधियां जो सदन में हो रही हैं, चाहे जो कुछ सदन के बाहर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं देश हित में और प्रदेश हित में नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ, रह गई बात उन्होंने कहा कि अगर 5 साल सरकार चली और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हम करते हैं तो क्या जरूरत पड़ी ब्रजेश पाठक जी को जा करके और गाड़ी चला करके और चेक, आप बताइए गौरव जी, क्या ब्रजेश पाठक जी जा करके कोई अगर कमी बेसी है, कोई अगर बदमाशी कर रहा है, कोई अगर बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है या कहीं कोई दिक्कत है, अगर वो जा करके उस मुद्दे को उठा करके उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं तो सिन्हा साहब इसमें गलती क्या है, मैं प्रयास करने की गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं कह ऐसी 5 साल सरकार चली, बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, अभी भी आपकी सरकार है, तो 5 साल सुधार नहीं हो पाया, 5 साल 6 साल बाद फिर ये नो बता रही, तो ऐसी क्यों नो बता रही है, अरे पिछली सरकार में दवा खरीदी गई थी जो एक्सपायर हो गई, तो बीजेपी सरकार में खरीदी गई थी, सिन्हा साहब 15 साल जी जी 14 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 14 साल पहले की स्थिति और अब की स्थिति, सिन्हा साहब दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे ही थे, और वो अभी तब जब दो वर्ष हमने 14 साल पहले जब बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने कौन से स्वास्थ्य के मुद्दे बात करी थी, कौन से शिक्षा के मुद्दे बात करी थी, आपका मुद्दा कभी स्वास्थ्य शिक्षा रही नहीं, आपने कभी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है ठीक है, ये तो वैश्विक बीमारी आई आपके ऊपर, दुनिया भर का प्रेशर बढ़ा तो आप स्वास्थ्य के बारे में बात करने पर मजबूर हो रहे हैं, ठीक है ठीक है हो गया, शिक्षा के बात करने में मजबूर हो रहे हैं, अरे ताकि भाई बात लेने दे, और मेहमान भी, और मेहमान भी, देश का बंटाधार क्या हुआ, ताकि भाई और मेहमान भी, और मेहमान भी, दिल्ली और पंजाब संभाल लीजिए, फिर उत्तर प्रदेश की चिंता करिए, देश संभालेंगे, गुजरात भी संभालेंगे, पूरा देश संभालेंगे, आप समय कितने लीजिए, हम आपको भी संभालेंगे, पूरा देश संभालेंगे, और गुजरात भी संभालने जा रहे हैं, जी जी गौरव जी, गौरव जी एक सवाल मैं सभा प्रवक्ता तारिक खान साहब से भी है, बोलिए सरकार राजा केजरीवाल जी को, मैं बोलूं ठीक है ठीक है, केजरीवाल जैसा तो प्रधानमंत्री अगर बन गया तो देश के मारे न्यारे हो जाएंगे, अच्छा, और प्रधान ऐसा लीडर मुख्यमंत्री नहीं आया है, भगवान मान ने जो कर दिया पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया, कांग्रेस भी नहीं कर पाई, आपका अकाली दल मुझे ज्यादा बोले बोले गौरव जी, बोलिए शांत रहिएगा तब कुछ बोलेगा, बोले बोले गौरव जी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति, चाहे वो गरीब हो, सामान्य वर्ग का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए 100% कमिटेड और समर्पित सरकार है, जो शिक्षा चिकित्सा के अलावा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, क्या मुद्दे हमारे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़े, देखिए योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, इसमें कहीं से प्रदेशवासियों को कोई संदेह नहीं है, बेवजूल बातें कह करके और जनता को गुमराह करने के लिए सड़क पे आकर के आप आंदोलन कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप सदन में बैठ करके, सदन का बहुमूल्य समय है, थीक है, आपको एक आपको सदन में लोगों ने जिता करके भेजा है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप आइए और सार्थक मुद्दों पे चर्चा कीजिए, जनहित के मुद्दों पे चर्चा कीजिए, हम तैयार बैठे हैं, लेकिन बेवजह
बेवजह रोड पे जाकर के बेवजह सदन में हंगामा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जीके सिन्हा साहब, तारिक भाई आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। तारिक जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने वॉकआउट किया, वॉकआउट करने के बजाय अगर हम कहते हैं वॉकआउट करते, वॉकआउट ना करते और बीजेपी सरकार उनकी बात ना सुनती, पूरा मीडिया देखती, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते थे अपनी बात कि भैया हमारी सरकार नहीं सुन रही है, ऐसी क्या दिक्कत थी उनको? अगर वो समय की मांग करते वो ठीक है, समय की मांग करना ना करना सरकार की बात थी, अगर बढ़ाना चाहिए था ठीक बात है, और योगी जी को भी कह रहे भैया धरना प्रदर्शन बाद में कर लेना, पहले सदन चलने दो, ठीक है? और भाई धरना प्रदर्शन करना तुम्हारा मौलिक अधिकार है, वो कोई भी कर सकता है, तो उसमें बीजेपी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई आम आदमी पार्टी कैंडल मार्च करने जाता, कहा उनको छावनी में लाकर रोक दिया, जाने देते, क्या दिक्कत थी? कहे भैया शाम को चले जाना, सदन के बाद चले जाना, या सुबह पहले चले जाओ, ये भी बीजेपी वाले कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हमें ख्याल ऐसा कहना चाहिए था, ये जो भाई मुद्दे तो जनता के समस्याओं से जुड़े हैं ना, चाहे बीजेपी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे सपा करे या आप करे, तो इन सबका ध्यान रखिए, बात होनी चाहिए। ठीक है ठीक है भाई, तारिक भाई जवाब दीजिए भाई सिन्हा साहब की। देखिए देखिए गौरव भाई जी, सरकारें बनती रही हैं, सरकारें गिरती जी। एक कांग्रेस की सरकार बनी थी केंद्र में, उन्होंने लोन माफ किया जी, उस बिना पर सरकार बनी जी। इनकी सरकार, भाजपा की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जी ये आगे चाहती कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत ठीक कर जी। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है तो जो पेपरों में रोज आता है ये उत्तर प्रदेश की खबरें नहीं है या तो ये प्रायोजित खबरें हैं जी। इसका जवाब जब हमें नहीं मिलेगा, वहां जहां जो उच्च पटल है जहां पर इसका जवाब मिलना चाहिए, वहां पर कहा यह जाएगा कि उस दिन को याद करिए, औरंगजेब को याद करिए, नेहरू को याद करिए, उस दिन ये सब किया जाएगा जी। तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है जी, कि हम जाकर, जब आपने हमारी मांग नहीं मानी कि सेशन को बढ़ाइए, पहले यही बात बहाना साहब ने कहा गई जी, तो उसके बाद कौन बचता है? गवर्नर। हमने यही बात गवर्नर से भी जाके की, कौन सा गुनाह कर जी। ये विपक्ष में आज तक रहे नहीं बीजेपी जी। अच्छा, बीजेपी जैसा ही देश आजाद हुआ था सत्ता में आ गई, अच्छा 70 साल से इन्हीं की तो सत्ता है, अच्छा। ना इन्होंने आज तक वॉकआउट किया जी, ना ये आज तक प्रेसिडेंट के मार्च गए, अच्छा। ना ये आज तक राज्यपाल के मार्च गए, ये लेके कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे जी। हम चले गए तो हमने बहुत बड़ा गुनाह कर जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, बिल्कुल। हर सवाल का जी, देश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी, एक सेमीकंडक्टर का प्लांट 1.5 लाख करोड़ का गुजरात में लग जाता है, यूपी में भी तो लग सकता था जी। 1.5 लाख करोड़ अडानी साहब कह के गए थे जी कि 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा जी, जीरो हुआ है गौरव भाई, सारी डिटेल रहती मेरे पास आप जान जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने पूछा था कि सड़क बताओ जी, 1 ट्रिलियन तक पहुंचोगे कैसे जी। हमने पूछा था कि ये जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं इनकी फीस का क्या मतलब है जी, कैसे ठीक करोगे, कैसे इनसे बात करोगे जी। हमने पूछा था कि किसान परेशान है, सूखे की स्थिति है, उनके लिए क्या करोगे जी। हमने पूछा था कि लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पतालों में अव्यवस्था है, बेड नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, कैसे ठीक करोगे? हमारे टाइम में भी दिक्कतें थी गौरव भाई जी। लेकिन इसमें जब से ये अमृत काल शुरू हुआ है खासकर, तब तक बहुत ज्यादा अमृत बरस रहा है सब तरफ, ना कोई आदमी को जी, नहीं, ना किसी आदमी को स्वास्थ्य की कोई समस्या है, और कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि सुई नहीं चोरी हो सकती। अच्छा तारिक भाई, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो झूठ है। तारिक भाई मेरा सवाल रहेगा, तारिक भाई मेरा सवाल रहेगा, सब तो खत्म हो गया, मार्च भी हो गया, अब इलाहाबाद में जो जिस तरह से प्रयागराज में छात्र संघर्ष कर रहे हैं और तमाम जो मुद्दे आपने बताए हैं, अब उनके लिए समाज पार्टी क्या रुख रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है? सत्य खत्म, देखिए गौरव भाई जी, सत्य खत्म हुआ जी, ठीक है। 28-29 में समाजवादी का अधिवेशन जी, अधिवेशन के बाद जी हम इन्हीं मुद्दों को लेकर, अभी भी यात्रा चल रही है मगर उसको छोड़िए जी, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जी से लेकर जेड तक जी, उनको लेकर उन्हीं के बीच में जाएंगे, क्योंकि वही जनता जनार्दन, वही मालिक जी, बिल्कुल। उन्होंने नहीं सेलेक्ट किया गौरव भाई, सर आंखों पे रखा गया,
विपक्ष में बैठा है, आगे भी जो जनता का आदेश होगा उसको सराखों पे रखा जाएगा, सर पे रखा जाएगा, ये मानना है। इखलाक भाई कुछ बोल रहा है, इखलाक भाई मिश्रा जी को लेता हूँ, बोले इखलाक भाई। तारिक भाई अभी जो कह रहे हैं जी, तो आप बहस तो करिए सर, आप वहीं धरने में बैठ जाते जी, सरकार को अपनी बात बात कहते जी। जनता तो मैंने भी पहले भी कही कि उत्तर प्रदेश की जनता तो आपको देख रही थी, बिल्कुल वॉक ओवर करके जाना, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं उस पर नहीं आना चाहूंगा जी। और रही इलाहाबाद छात्र, जो इलाहाबाद में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, हमारा डेलीगेशन गया था। और एक चीज मैं उससे बताना चाहूंगा, जो हमारे बीजेपी के भाई बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, कि कहा आपने, लोगों ने सुना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, क्या बात है। हाँ जी। तो छात्रों को परेशान ना करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना अगर छात्र अपने पे आ गया अच्छा। तो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश या देश में नहीं आएगी, ये बात आप लोग नोट कर लें। और एक चीज पे और ध्यान दूंगा, अभी जैसे बीजेपी के भाई ने हमारे कहा कि स्वास्थ्य विभाग में चीजें मिली यहाँ मिली, तो हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री योगी जी ईमानदार है, अधिकारी भ्रष्ट है, कुछ अधिकारी भ्रष्ट है। आज उसी का फलस्वरूप आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग में एक्सपायरी दवा मिल रही है, क्या एक्सपायरी डेट 12 साल की होती है? नहीं, 3 से 4 साल की। तो दवा जो खरीदी गई बीजेपी कार्यकाल में तो खरीदी गई, और केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, जितने भी विभाग हैं अगर सही से उनकी जांच हो जाए, जो कुछ अधिकारी जो हैं जो इतने भ्रष्ट हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का। ठीक ठीक है, हमारे साथ बिरपा भाई जुड़े हैं। बिरपा भाई, क्या और आपकी आगे रणनीति रहने वाली, सत्य खत्म हो चुका है और आपने कहा है कि सभा के साथ कदम से कदम मिलाकर हम निकाय चुनाव लड़ेंगे, हालांकि बयानबाजी कुछ और ही हुई थी, खैर मैं आप ही की बात को स्वीकार कर लेता हूँ, क्या रणनीति रहने वाली है? गौरव जी, जी जहां तक विधानसभा सत्र के दौरान हुई गतिविधियों की बात की जाए तो एक बहुत अहम मुद्दा आया था स्वास्थ्य से संबंधित, और आपने इस पर विस्तार से डिबेट भी कराई। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जी। उसी दौरान उनके विभाग के अधिकारी स्थानांतरण सूची जारी कर देते हैं, जिसकी जानकारी जी माननीय मंत्री जी को बाद में होती जी। पीडब्ल्यूडी विभाग में स्थानांतरण हो जाते हैं, रणनीति क्या रहेगी वो तो हम सुन लिए, मंत्री जी को पता बाद में चलता है, मिश्रा जी वो तो हमको पता है, रणनीति क्या रहने वाली है रालोट की, भारतीय जनता पार्टी, अरे सबसे खत्म होगा, रणनीति क्या रहेगी वो बताइए हमको, समाप्त कर रही है इस पर उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है मिश्रा जी, रणनीति क्या रहने वाली रालोट की वो बताइए हमको, सत्य खत्म हो गया जी, चुनाव पास में निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, और रणनीति क्या रहने वाली वो बताइए हमको जल्दी बोलिए। हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हमारा अलायंस है जी, हम दोनों लोग साझा रणनीति बना करके स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे जी, और उसमें जीत हासिल करेंगे। ठीक है ठीक है, ताकि भाई एक मिनट जल्दी बोलिए, समय बहुत कम है, एक मिनट बचा बोलिए। देखिए अभी आपको बात लेता हूँ, बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जी, और सबसे जल्दी ज्यादा लोग यहाँ से निकल के बाहर व्यापार करने जाते हैं, और युवाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, लगातार फीस बढ़ाई जा रही है जी, तो ये लोग जो है जनता का इतना दोहन क्यों कर रहे हैं, ना डीजल पेट्रोल को जीएसटी, जनता दोहन के सरकार जनता क्यों बनवा रही दोबारा दोबारा भाई, जनता पर जी इन्होंने भाई आपको क्या, आज की डेट में सरकार क्यों बना रही, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने देश में, आप दिल्ली मॉडल लेके आए थे यहाँ पर, भारत में आज बिजली माफ करने के लिए आए थे, क्यों आपको नहीं स्वीकार जनता ने? देखिए अभी आप देखिए, भारत में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को बोलने का, प्रदर्शन करने का, सबका अधिकार छीन लिया है, छीन लिया है जी। आप प्रदर्शन नहीं कर सकते आज की डेट में, ये कहने सड़क पे आप आइए तो ऐसे क्यों चले आ रहे, ये बताएंगे हमें कि इनसे अच्छा। पूछे पहले परमिशन लें कि भाई ये मुद्दा सड़क पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अच्छा। फिर सड़क पे आएंगे। ठीक, ये ममता बनर्जी जहाँ की सरकार नहीं होती वहाँ अपना सीना पीटते हैं, विधवा विलाप करते हैं अच्छा। कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है अच्छा। इन्होंने यही बीजेपी थी, किसी ने विधानसभा के सामने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा था जब विपक्ष बैठे हुए थे, हमने आपने देखा था नहीं देखा था, आज ये कह रहे हैं कि आप बेकार में, जवाब लेता हूँ, शर्म की बात है, आप जवाब लेता हूँ, जवाब दीजिए, विपक्ष की आवाज को जवाब दीजिए, सबसे बेकार काम आप कर रहे हैं, बोले बोले सबसे बेकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, बोले बोले मुख्यमंत्री जी अपना काम नहीं कर पा रहे सही से, बोले बोले
बोलिए जिनके जिनके अपने घर शीशे के हों दूसरे के ऊपर पत्थर। अरे आम आदमी पार्टी को बोलिए पहले दिल्ली में जो चल रहा है सत्येंद्र जैन के साथ इनका एजेंडा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप ट्विटर कर रहे हैं मनुष्य दुनिया अपराधी करने से अपराधी नहीं होते को देश से आपको लोकतंत्र समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाओ और फिर से देश में वही टूजी घोटाला कोयला घोटाला इस्लाम घोटाला ठीक जितने घोटाले घोटालों की सरकार है इनका मेन एजेंडा ये। ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और चर्चा भी की गई, पर चर्चे में जो बात निकल के आई वो निकल के आई कि वॉकआउट से बेहतर वहाँ पर संघर्ष किया जा सकता था। और एक मुद्दा ये भी निकल के आया कि क्या सदन का कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है, क्या सत्य की जो सीमा है अवधि उसको बढ़ाया जा सकता है। मुद्दे दोनों हैं, सत्य की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, पर अगर सत्य की सीमा केवल 5 दिन रखी गई है तो कम से कम उसका उपयोग भी किया जा सकता है। सभा प्रवक्ता का कहना था कि यहाँ पर समय नहीं दिया जाता है, जवाब नहीं दिया जाता है और जिसके चलते वॉकआउट करना मजबूरी हो जाता है, पर अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि कम से कम वहाँ पर संघर्ष करें, बैठें, जवाब मांगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी आपको जनता ने दी है। केवल वॉकआउट करना, वहाँ से निकल आना और अपने आप को केवल मार्च के माध्यम से जनता को दिखाना, ये बेहतर परिणाम लाने वाला नहीं है। अगर सत्य की आपको भूमिका मिलने में आपको काम करने का मौका मिला है तो उस सत्य का उपयोग करिए, जनता की बात रखिए। जनता ने आपको बात रखने के लिए वहाँ पर पहुँचाया है और 111 विधायक से पहुँचा, इसका अर्थ ये है कि जनता भी चाहती है कि जनता की बात को पूर्ण संघर्ष के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ सदन में रखा जाए, तभी जनता के मुद्दों का कुछ हो सकेगा। क्योंकि अगर सरकार कुछ बेहतर नहीं करेगी तो विपक्ष की भूमिका ही है कि जनता के लिए सरकार की नींद खोले और जनता के लिए काम करती नजर आए। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दी अनुमति, नमस्कार।